तो देखो डाइस प्रॉब्लम में आपको सवाल आ सकता है कि जी डाइस हम फेंक रहे हैं तो बताएं ऑड नंबर आने का चांस क्या है, इवन का चांस क्या है, प्राइम का चांस क्या है, कंपोजिट का चांस क्या है। तो डाइस के लिए वैसे जो टोटल हमारे आउटकम होते हैं वो होते हैं 6 की पावर n, एन से मुराद नंबर ऑफ डाइस। अब जैसे कि एक डाइस है तो 6 की पावर 1 ये क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। जैसे कि एक और से देखें 1 2 3 4 5 6 छः नंबर है हमारे। तो अगर ऑड नंबर की बात आए तो भाई ऑड इसमें से कौन कौन होंगे, 1 3 और 5। आंसर हाफ आ जाएगा। और अगर इवन की बात करें तो 2 4 6 इसका भी हाफ ही आ जाएगा। कल कल आपको पूछे कि प्राइम नंबर कौन कौन से, तो प्राइम देखो 2 3 और 5, तीन नंबर प्राइम है। तो आंसर 3/6 हो गया, ऑफकोर्स 1/2 आ जाएगा। अरे भाई 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2। अब बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो डाइस प्रॉब्लम के जो शुरू के 6 नंबर हैं इनमें से 2 कंपोजिट नंबर होते हैं, 4 और 6। तो ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा।